नमस्ते विवस आज के इस वीडियो में हम लोग वैक्टर एलजेवरा एंड वैक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे विवस देखिए ये जो टॉपिक है वैक्टर एलजेवरा एंड वैक्टर कैलकुलस ये आपको बहुत जगह पर यूज़ होने वाला है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना मैथमेटिकल फिजिक्स ओके आपको ये क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यूज़ इसका दिखेगा आपको क्वांटम में भी इसका कहीं कहीं पर यूज़ होता है स्पेशल थ्योरी में तो है ही है यूज़ के okay, तो कई जगह पर आपको वेक्टर एलजेवरा और वेक्टर कैलकुलस यूज़ होता हुआ दिखेगा है ना अलग अलग टॉपिक्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे रिवर्स अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेक्टर एलजेवरा और वैक्टर कैलकुलस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये पूछता है साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आई आई ओके जिस्ट टी गेट है ना सी एस आई आर नेट है ना हर एक एग्जाम में आपको वेक्टर वैक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस मिलेगा ही मिलेगा ओके okay. इसलिए हम लोग क्या करेंगे वेक्टर वैक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो चलिए हमारा जो ये पहला पार्ट है वेक्टर एल्जेब्रा वेक्टर कैलकुलस का इसे स्टार्ट करते इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं फैक्टर के रिगार्डिंग और उससे कुछ प्रॉपर्टीज की भी यहां पर चर्चा करेंगे तो पहले हम लोग समझेंगे कि भैया फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स की बात करेंगे फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे ओके फिर ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे इसी वीडियो में ओके एडिशन सबसे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ओके कंपोनेंट्स फॉर्म थोड़ा देखेंगे फिर सेक्शन फॉर्म एंड देन प्रॉब्लम्स को ठीक है तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है है ना आप ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना, physics है ना फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है एक्चुअली में ऐसे क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो ओके किसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ठीक है उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ओके okay, वैसे क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी ओके एंड दीज क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को स्केलर क्वांटिटी ठीक है फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया एक को कहा गया वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को कहा गया स्केलर क्वांटिटी ओके वेक्टर क्वांटिटी जो है प्यारे व्यूअर्स ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अवेलेबल होता है ओके okay. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो वेलोसिटी है ना इसका वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल वेलोसिटी है ना आप ऐसे कह सकते हो फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर टूवार वेस्ट है ना इसमें देखिए 54 किलोमीटर पर आवर क्या है मैग्नीट्यूड है स्पीड ओके और इसके साथ जो है डायरेक्शन वेस्ट जुड़ा हुआ है है ना तो ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अवेलेबल है लेकिन स्केलर क्वांटिटी की अगर आप बात करते हो तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड अवेलेबल है जैसे कि स्पीड स्पीड ओके स्पीड डिस्टेंस है ना ये सब क्या है ये सब इसके क्वांटिटी है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी गया ए से बी गया अब ए से बी वो स्ट्रेट अगर जाएगा तो उसका क्या होगा एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा इसे डिस्प्लेसमेंट कह देंगे हम लोग लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कुछ डायरेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन में होता है लेकिन है ना अगर आप डिस्टेंस कहोगे तो डिस्टेंस ए से बी तो हम लोग कई तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं है, है ना काफ़ी तरीका होगा वहाँ जाने का ओके okay, इसलिए जो डिस्टेंस है वो इसके अलग क्वान्टिटी है इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है ठीक है सो so, ये समझ गए फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका ये दो प्रकार का होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे हमें डिस्कस ये करना है वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड देयर प्रॉपर्टीज है ना ऐसा कह सकते हो वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले क्या करेंगे वैक्टर के बारे में तो समझ लीजिए क्या होता है, है ना हम लोग थोड़ा देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ओके क्योंकि टाइप्स ऑफ वैक्टर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है है ना और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वैक्टर्स में वो यूनिट वैक्टर है वो आपको हर जगह पर प्रयोग करने को मिलेगा यूनिट वैक्टर वैक्टर कैलकुलस में भी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल है ना स्टोक्स थ्योरम हर जगह पर यूनिट वैक्टर का प्रयोग है ठीक है सो टाइप्स ऑफ वैक्टर्स थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए अगर आप टाइप्स ऑफ वैक्टर्स में देखिए तो सबसे पहले हमें इनकाउंटर करना होता है यूनिट वैक्टर से ओके okay, अब यूनिट वेक्टर क्या है भैया देखिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ओके okay, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वन से इक्वल होता है इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर और ये काफ़ी प्रयोगेबल है है ना मतलब बहुत यूज़ में आता है यूनिट वेक्टर है ना अगर आपको किसी गिवन वेक्टर एरो ए का है ना अगर यूनिट वेक्टर पता करना है तो यूनिट वेक्टर को पहले तो आप ए कैप से रिप्रेजेंट कर दोगे और जो यूनिट वैक्टर है वो इक्वल हो जाएगा आपका वैक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ये फॉर्मूला है फॉर्मुला याद रखिएगा यूनिट वेक्टर के लिए क्योंकि तो हर जगह पर प्रयोग होना है ठीक है इसके बाद आता है आपका इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स क्या है देखिए दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर तभी कह सकोगे जब है ना जो गिवन वैक्टर्स है आपका है ना चाहे जैसे मान लीजिए कि ए और बी ये दो गिवन वेक्टर्स है आपके पास अगर ये दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही दोनों ही वेक्टर्स का अगर सेम है तो कहेंगे कि हाँ भैया गिवन वेक्टर्स जो है इक्वल वेक्टर्स है ओके okay. समझ पा रहे कोई भी वेक्टर है ना दो हो चार हो पांच हो इन्हें आप इक्वल वेक्टर तभी कह सकते हैं जब सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बेसिकली क्या है मान लीजिए कोई वेक्टर एरो ए है. तो इस वेक्टर एरो ए का जो नेगेटिव होगा है ना उसे हम लोग माइनस डोनेट करेंगे ओके okay. और दोनों ही वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा ठीक है समझ पा रहे किसी भी गिवन वेक्टर एरो ए का ओके या फिर कोई और भी वेक्टर आप ले सकते हो मान लीजिए वेक्टर एरो थीके? थीके? कोई वेक्टर एरो तो इस, इस गिवन वेक्टर एरो का जो नेगेटिव होगा ओके उसे हम लोग क्या करेंगे माइनस रिप्रेजेंट करेंगे ओके है ना जो नेगेटिव होता है ना किसी गिवन वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड जो है ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सेम होता है है ना बस डिफरेंस ये होता है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर देखो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को हम लोग ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 तो से ये चीज ध्यान रखना है ठीक से जो हम लोग जीरो और नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे विवर्ट जीरो और नल वेक्टर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और फाइनल पॉइंट जहां पर वो खत्म होगा दोनों कोइंसाइड करता है समझ पा रहे हमारा जीरो और नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्वेन करता है ओके ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं जीरो और नल वेक्टर नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप इज को इनिशियल दो और दो से ज्यादा को हम लोग कब कहेंगे तब कहेंगे जब दोनों का इनिशियल पॉइंट point क्या हो सेम हो जैसे मान लीजिए कि दो वैक्टर है एरो ए और एक इधर है एरो बी अब ये एरो ए और एरो बी जो दो वैक्टर्स है ये को इनिशियल वैक्टर्स है कैसे क्योंकि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है अगर यहाँ एक और वैक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोग ले लिए लेरोल तो वैक्टर है? है. तो भी आप ग्रैप कर पा रहे होंगे इसके बाद यहां नीचे आप देख रहे हैं फ्री वेक्टर। देखिए फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर्स होता है जिसका इनिशियल पॉइंट जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं होता है ठीक है फ्री वेक्टर्स क्या है ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होता ओके नाउ लेट्स मूव टू कोलिनियर वेक्टर देखिए कोलिनियर वेक्टर्स में क्या है है ना वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं ओके okay. अब आप कहेंगे भैया पैरेलल में तो है ना पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होता है इसलिए कोलिनियर वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक को कहा जाता है लाइक वेक्टर्स ओके है ना जो पैरेलल्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है इस प्रकार से ठीक है और एक को कहा जाता है अनलाइक वैक्टर्स ठीक है अनलाइक वैक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है ठीक है समझ पा रहे कोलिनियर वैक्टर्स क्या है वैसे वैक्टर्स है ना जो एक दूसरे से पैरल होते हैं उनको कोलिनियर वैक्टर्स कहा जाता है और कोलिनियर वैक्टर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक को कहते हैं लाइक वैक्टर्स और दूसरे को कहते हैं अनलाइक वैक्टर्स ठीक है लाइक like वैक्टर्स ऐसे वैक्टर्स हैं है, है ना जिनका डायरेक्शन सेम होता है है ना इस प्रकार का और अनलाइक वैक्टर्स वैसे हैं जिनका डायरेक्शन uh, अपोजिट हो सकता होता है ठीक है तो ये एक छोटा सा रिव्यू टाइप्स ऑफ वैक्टर्स का और आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है इसमें ठीक है अब थोड़ा सा ऑपरेशंस को देख लेते हैं है ना वेक्टर ऑपरेशंस देखिए वेक्टर ऑपरेशन जो है आपका जनरल एल्जेबरा की तरह ही चलता है है ना वेक्टर ऑपरेशंस जो है ये आपका जनरल एल्जेब्रा की तरह ही चलता है जैसे आपको अगर दे दे कि एरो ए जो है ये इक्वल है आपका ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप ओके प्लस ए थ्री के कैप से इक्वल है है ना और इसके साथ साथ इधर एरो बी दे दे और ये कहे कि आपका बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप अगर गिवन है और आपको निकालना हो एरो ए प्लस एरो बी तो जनरली आप इन दोनों को क्या करोगे ऐड कर दोगे आई कैप को आई कैप के साथ जे कैप को जे कैप के साथ के कैप को के कैप के साथ है ना एड कर देंगे है ना जनरल एडिशन होता है जैसे हम लोग एल में करते थे ठीक है अब इसमें जो है कुछ रूल्स होते हैं जैसे ट्राइंग लॉ है ना पैरो लॉ तो उन सब को जो है यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए ठीक है क्योंकि ये सब तो क्लास इलेवन ट्वेल्थ में हम लोग पढ़ ही चुके हैं है ना और सेप्ट्रैक्शन भी जनरल करेंगे हम लोग ठीक है वैक्टर ऑपरेशन में इसमें जो मेन है जो हमें देखना चाहिए वो देखना है हमें क्या मल्टीप्लीकेशन ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर ऑफ ऑफ अ वैक्टर बाय स्केलर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैक्टर एरो ए गिवन है और हमें क्या कहा जाए कि इसे हम लोग एक स्केलर एम से मल्टीप्लाई करें है ना तो क्या होगा इससे क्या रिजल्ट निकलेगा ओके okay, इनिशियली आपका वेक्टर क्या है एरो ए है लेकिन अब हमने क्या किया इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया ओके तो एरो हो गया भैया है है ना है ना एरो तो क्या हो गया? M A A हो गया गया एरो तो इनिशियली वो एरो था लेकिन अब वो क्या हो गया एम एरो मतलब है कि अब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एम टाइम्स इंक्रीज कर गया है ना तो इफेक्ट यही है आप किसी भी वेक्टर को अगर कोई गिवन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा ओके okay. इंक्रीज़ uh, कर जाएगा ऐसा कह सकते हैं है ना क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं हम लोग ठीक है और डायरेक्शन भी यहाँ पर क्या है सेम है डायरेक्शन जो है यहाँ पर सेम है लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर एम की जगह माइनस एम रहता तो यहाँ पर क्या करना पड़ता हमें माइनस एम तो इस स्थिति में देखिए मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम रहा है ना है ना एम टाइम्स इंक्रीज़ किया मैग्नीट्यूड है ना लेकिन इस केस में डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया थोड़ा इसे समझने की आवश्यकता है जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एक गिवन वैक्टर एरो ए को फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्थिति में क्या हुआ इस स्थिति में क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड था एरो ए का वो फाइव टाइम्स इंक्रीज कर गया है ना और जो डायरेक्शन था वो सेम रहा जिस डायरेक्शन में एरो ए है उसी डायरेक्शन में फाइव एरो है लेकिन अगर हम लोग इसको माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करते तो इस स्थिति में जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ना एरो ए से फाइव टाइम्स बढ़ गया है ना लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो एरो ए के एलोंग नहीं होगा वो एरो ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा है ना अगर आपको एम जो दिया हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तब आपका केवल मैग्नीट्यूड में इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन अगर एम जो है वो आपका नेगेटिव गिवन है तो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो ये है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर बाइस स्केलर ओके ठीक है तो ये आपका एक टॉपिक हो गया है ना और जो वैक्टर ऑपरेशन है और और जो वेक्टर ऑपरेशन है जिसमें वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्रेक्शन की बात की है ना उसमें जो है जनरल आपको है ना जैसे हम लोग एल्जेबरा में एडिशन सब्रेक्शन करते हैं वैसे ही करना है है ना जैसे आपको कहें कि आई कैप को आई कैप के साथ जे कैप को जे कैप के साथ के कैप को के कैप के साथ ठीक है ना और वेक्टर प्रोडक्ट्स को तो हम लोग आके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ही स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को ठीक है अब जो है थोड़ा सा हमें कहाँ चलना चाहिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और हमें थोड़ा सा कंपोनेंट्स फॉर्म को डिस्कस करना चाहिए ओके कंपोनेंट्स फॉर्म कंपोनेंट्स फॉर्म इसी में हमें डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी पता चलेगा ओके okay, यहां देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए अगर आप कंपोनेंट्स फॉर्म की बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ओके तो इसका कंपोनेंट्स फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है एरो यहां पर ये जो लिखे थे हम लोग है ना एरो कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा हुआ था ओके okay, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं ठीक है इसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स फॉर्म अब इसमें जो है दो प्रकार का कंपोनेंट है एक है स्केलर कंपोनेंट ठीक है एक है, है स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट कौन कौन सा है एक्स वाई और जेड ये आपका स्केलर कंपोनेंट है दूसरा होता है वेक्टर कंपोनेंट अब इसमें वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन सा है वेक्टर कंपोनेंट आपका है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ये आपका वेक्टर कंपोनेंट है ठीक है ये है आपका कंपोनेंट्स फॉर्म है ना और कंपोनेंट्स फॉर्म में जो जो फॉर्म है उसमें स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दोनों अवेलेबल होता है स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड है ना बिना यूनिट वेक्टर्स के और जो वेक्टर कंपोनेंट है वो यूनिट वेक्टर्स के साथ होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप अब इसी में दो चीज़ हमें देखना होता है एक तो डायरेक्शन रेशियोज ओके एक देखना होता है डायरेक्शन रेशियोज ठीक है और दूसरा देखना होता है डायरेक्शन कोशाइंस प्यारे अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखना हो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर ओके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर एरो आर अगर हमें एक वेक्टर एरो आर का डायरेक्शन रेशियोज लिखना हो तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए मान लीजिए कि एरो आर जो है आपको गिवन होता कुछ इस प्रकार से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कुछ इस प्रकार से जो है डायरेक्शन रेशियोज आपका गिवन होता मान लीजिए माफ कीजिएगा वैक्टर है ना एरो आर जो है कुछ इस प्रकार से गिवन होता है तो इस वेक्टर एरो आर का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा ओके okay, वो इक्वल होगा आपका एक्स वाई जेड से ठीक है 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 ना x, y, z जो ठीक है ठीके? जो वैल्यूज होगा यहाँ पर x, y, z का इसे हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एरो आर लेकिन वही अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप देखिए डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होगा थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ़ एरो आर है ना वेक्टर एरो आर का डायरेक्शन कोसाइंस देखिए वो आपका इक्वल होता है एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओके जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है या फिर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो एक्स बाई मॉड आर के मॉड एरो आर के फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि ये एरो आर कहीं तो मॉड है ना बता रहा है एरो आर ही तो इक्वल है आपका एक्स आई कैब वाई जे कैप जेड के कैप से ठीक है वाई बाई मॉड एरो आर भी कह सकते हो आप और जेड बाई मॉड एरो आर भी कह सकते हो ठीक है तो आपसे अगर क्वेश्चन दे कि भैया डायरेक्शन कोशाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ के रिगार्डिंग तो आप इन फॉर्मुलाज का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन कोशाइंस के okay, रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा फोर वाला कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वैक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी ठीक है देखिए पॉइंट्स ए और बी का बात है पॉइंट ए क्या गेवन है टू वन माइनस टू ओके एंड बी क्या बन है थ्री फाइव माइनस फोर के है ठीक है ओके okay, तो हमें दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है हमें क्या करना है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोशाइंस पता करना तो पहले हमें क्या करना होगा वेक्टर पता करना होगा ए बी ए बी कैसे निकलेगा ऐसे थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस फोर के कैप ओके इसको जो है हम लोग वेक्टर्स के टर्म में है ना आई कैप जे कैप के कैप लगा करके लिख ले रहे हैं ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता होगी ठीक है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप ठीक है आइए इसको माइनस करिए तो आपको मिलेगा आई कैप आई कैप और ये जे निगेटिव में आएगा आपको मिलेगा फोर जे कैप ओके प्लस में माइनस टू के कैप आपको मिलेगा ठीक है तो देखिए एरो ए बी का वैल्यू क्या आ गया आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप अब देखिए इस केस में अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालना हो तो क्या होगा है ना एक्स वाइज दल होता था तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वन फोर और माइनस टू डायरेक्शन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस फॉर्मुला में पुट कर दीजिए है ना वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो अंडर रूट इसका ले लीजिए मतलब इसका मॉड निकाल लीजिए मॉड एरो ए बी क्या होगा अंडर रूट वन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर हो जाएगा मतलब अंडर रूट ट्वेंटी वन तो अंडर रूट ट्वेंटी वन फोर बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन माइनस टू बाई अंडर रूट ट्वेंटी वन ठीक है ये तीन क्या हो गया डायरेक्शन रेशियोज हो गया और ये तीन क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइंस हो गया ठीक है सो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को भी आप ध्यान रखिएगा अब जो है एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला देखिए थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला भी हमें डिस्कस करना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है है ना सेक्शन फार्मूला यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यूनिवर्सिटी है ना एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है ए बी ठीक है एक लाइन ए बी आपके पास प्रेजेंट है आपके पास लाइन ए बी है और इस लाइन ए बी को जो है एक पॉइंट चलिए इस पॉइंट को आर ले लेते हैं नहीं पी ले लेते हैं ठीक है इस पॉइंट ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन ए बी को डिवाइड कर दे रहा है इन द रेशियो ऑफ एम एस टू एन है ना एम एस टू एन के रेशियो में जो पॉइंट है वो लाइन ए बी को डिवाइड कर दे रहा है ओके okay, और जो ए है इसका जो पोजीशन वेक्टर है चलिए इसको एरो ए ले लेते ले 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 हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ठीक है बी का जो पोजीशन वेक्टर है ठीक है ओ okay, मतलब के मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट पर चलिए उसको एरो बी लेते हैं ओके okay, और जो पॉइंट पी है जो लाइन ए बी को डिवाइड कर दे रहा है रेशियो एम एस टू एन में इसका पोजिशन वैक्टर एरो आर ले लेते ले ले हैं तो सेक्शन फॉर्मूला हमें जो है ना इस पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है ना निकालने का फॉर्मूला देता है ठीक है मतलब है कि एरो आर निकालने का फॉर्मूला हमें सेक्शन फार्मूला बताता है अब देखिए यहां पर ये यह जो पॉइंट पी है ना वो लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ठीक है देखिए थोड़ा समझिएगा प्यार विवश यहां पर हमारा ये जो पॉइंट P है ये कर क्या रहा है ये लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो अगर कोई पॉइंट लाइन है ना ए बी को इंटरनली डिवाइड करे रेशियो एम एस टू एन के है ना फॉर्म में या एम एस टू एन के रेशियो में ओके है ना तो उस स्थिति में उस पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर होगा है ना विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन है ना उसे हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर पाएंगे एम एरो प्लस एन एरो बाई एम प्लस एन ठीक है ये फॉर्मूला होता है ठीक है ना अग, ओके इंटरनली के केस में जब हमारा पॉइंट जो है लाइन को इंटरनली डिवाइड करे है ना और एक केस होता है कि लाइन जो है ना एक्सटर्नली डिवाइड करता है पॉइंट जो है लाइन के बाहर होता है तो उस स्थिति में अगर आपको उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर पता करना हो है ना जब पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो रेशियो एम एस टू एन के फॉर्म में तो उस स्थिति में फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है एम एरो बाई एन एरो ए बाई माफ कीजिएगा एम एरो माइनस एन एरो माइनस एन ये फॉर्मूला हो जाता है ये हो गया एक्सटर्नली का ओके एक्सटर्नली ठीक है तो ये दो सेक्शन फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है ध्यान रखना है ठीक है अगर कोई एक पॉइंट ठीक है ना किसी एक लाइन को है ना रेशियो एम एस टू एन के फॉर्म में डिवाइड कर दे रहा है तो उस स्थिति में उस पॉइंट का ओके okay, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ऑरिजिन ओ के रेस्पेक्ट पर है ना वो हम लोग सेक्शन फार्मूला की मदद से क्या करते हैं पता करते हैं ओके okay, और उसमें हमें देखना होगा कि पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है ये क्वेश्चन में रहता है इंटरनली डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा ठीक है जैसे कि एक तो क्वेश्चन हम लोग यहां पर लिए हुए हैं इसके रिगार्डिंग फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर ओकेशो टू इज टू वन इंटरनली एंड एक्सटर्नलीके फॉर्मुला अप्लाई करेंगे आइए यहां पर देखते हैं यही पर बनाते हैं ठीक है आपको आसानी से दिख भी जाएगा तो यहां पर पहले तो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो मान लेते हैं ये एरो पी है ठीक है इसको लिख लेते हैं आई कैप यहां पर गिवन भी है प्लस टू जे कैप माइनस के कैप ठीक है एंड क्यू गिवन है आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में और हमारे पास एम इज टू एन एवेलेबल है टू इज टू वन गिवन है इसका वैल्यू ठीक है ना अब देखिए पहले इंटरनली का केस अप्लाई करते हैं अगर जो हमारा पॉइंट है जो पॉइंट आर है अगर वो लाइन को इंटरनली डिवाइड करता तो उस स्थिति में एरो एरो मान लेते हैं उसका पोजिशन वैक्टर आपका जो है एरो आर होता है स्मॉल एरो हम लोग ठीक है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम एरो Q, प्लस एन एरो पी बाई एम प्लस एन ठीक है पुट कर दीजिए इस पर तो एम कितना है एम है टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप प्लस एन कितना है वन है एंड uh, एक मिनट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया हम लोग को पी नहीं पुट करना था क्यू लेना था यहाँ पर है ना क्यू वाला लेना था तो आई यहाँ पर नेगेटिव में होगा है ना एंड ये जे कैप ठीक है अब यहाँ पर पी लेना है हमें तो आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप ठीक है बाई एम प्लस एन एम प्लस एन थ्री हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या होगा टू आई कैप ये माफ़ कीजिएगा माइनस है यहाँ पर माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप ओके प्लस टू के कैप ओके प्लस आई कैप है ना प्लस टू जे कैप माइनस के कैप ओके सॉल्व कर दीजिए आपको का वैल्यू मिल जाएगा वन थर्ड है ना माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप ठीक है ये आपका क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया ठीक है उसी प्रकार जो है एक्सटर्नली के लिए फार्मूला अप्लाई करना एक्सटर्नली के लिए फार्मूला क्या होता है एरो आर इज इक्वल टू एम एरो क्यू माइनस यहाँ पर एन होगा एन एरो पी बाई एम प्लस एन क्योंकि यहाँ पर एरो पी और क्यू के फॉर्म में गिवन है यहाँ पर हम लोग एरो ए और एरो बी लिए थे ठीक है तो आप एक्सटर्नली वाला में पुट करके आंसर बताइए क्या आंसर होगा ठीक है तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है ना क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें छोटे छोटे तरीके से पढ़नी है ठीक है ना अब अगली वीडियो में क्या करेंगे हम लोग वैक्टर प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है है ना स्केलर प्रोडक्ट का वो डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे है ना तो ये 25 मिनट का हमारा जो है वीडियो अब तक बन चुका है यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लिए हुए थे दो प्रॉब्लम तो हम लोग देख लिए फोर और फाइव को है ना थोड़ा हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं प्यारे रिवर्स क्वेश्चन क्या है फाइंड अ यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर आई कैप प्लस के कैप एंड थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस देखिए क्या कह रहा है हमें क्या है ये रहा है कि हमें जो है यूनिट वैक्टर पता करना है, है ना किधर पता करना है भैया इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर है vector, ना इस वैक्टर के डायरेक्शन में और इस वैक्टर के डायरेक्शन में तो चलिए हम लोग बी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं बी क्या है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप है ठीक है इसके डायरेक्शन में हमें क्या करना है यूनिट वेक्टर पता करना है है ना तो मान लीजिए कि ये जो है आपका ये एरो बी है ठीक है एरो बी जो है इससे इक्वल है तो बी कैप पता करना होगा हमें बी कैप क्या होगा एरो बी बाई मॉड एरो बी होगा है ना तो ये क्या हो जाएगा मॉड अगर इसका निकालना होगा हमें थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप बाई अंडर उट नाइन प्लस फोर प्लस थर्टी सिक्स क्या हो जाएगा देखिए तो फोर्टीन फोर्टी नाइन यहाँ सेवन हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा है ना एलोंग द वेक्टर एरो ठीक है उसी प्रकार आप ए वाला भी पता करिए ठीक है फिर क्या है इफ़ एरो ए इज इक्वल टू इतना एरो बी इज इक्वल टू इतना देन फाइंड द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो ए प्लस एरो बी देखो एरो ए प्लस एरो बी के डायरेक्शन में हमें जो है यूनिट वैक्टर पता करना है अब हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन है एरो ए और एरो बी तो पहले हमें क्या करना होगा एरो ए प्लस एरो बी पता करना होगा तो इन दोनों को एड कर लीजिए एड कीजिएगा तो कितना मिलेगा आई कैप ठीक है एंड जे कैप जे कैप कैंसिल हो जाएगा के कैप है यहाँ पर तो यहाँ प्लस के कैप आ जाएगा ठीक है अब इसके डायरेक्शन में आपको क्या करना है यूनिट वेक्टर पता करना है हो जाएगा आराम से ठीक है देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इफ़ एरो ए इज इक्वल टू इतना एरो बी इज इक्वल टू इतना एरो सी इज इक्वल टू इतना फाइंड एरो ए प्लस एरो बी प्लस एरो सी तीनों के एड कर दीजिए आई कैप को आई कैप के साथ जे कैप को जे कैप के साथ के कैप को के कैप के साथ इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा तो कमेंट करके बताइए इसका कितना वैल्यू आपको मिल रहा है ठीक है अब सिक्सथ क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोशाइंस के रिगार्डिंग है कि इफ़ एरो ए है ना माफ़ कीजिएगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू वन टू माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल टू इत नर टू गिवन पॉइंट्स इन द स्पेस देन फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एरो ए बी एंड डायरेक्शन कोशाइंस ऑफ एरो ए बी पहले तो आपको यहाँ पर एरो ए बी पता करना होगा उसके बाद ही आपको डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोशाइंस मिल पाएगा तो देखिए यहाँ पर आपके लिए हम लोग कर देते हैं पहले तो आप एरो ए जो है उसको लिख लीजिए वो होगा आपका आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप होगा ठीक है उसी प्रकार आप एरो बी लिख लीजिए यहाँ पर है माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप ठीक है अब देखिए आपको एरो ए और एरो बी मिल गया अब यहाँ से आप एरो ए भी पता कर लीजिएगा ठीक है एरो ए बी कैसे पता होगा है ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एरो बी में से एरो ए को माइनस करेंगे तब हमें ऐसा मिलेगा ठीक है तो, तो माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप ओके माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप ठीक है डायरेक्ट पुट किए हैं आप इसमें पुट करके सेम्पल बदलेंगे तो आपको यही मिलेगा ठीक है माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप एंड फोर के कैप देखिए ये मिल गया आपको अब डायरेक्शन रेशियोज आपको लिखना है इसका तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा टू माइनस फोर और फोर आपका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा डायरेक्शन को साइन पता करने के लिए आपको इसका पहले मॉड पता करना होगा मॉड एरो है ना क्योंकि डायरेक्ट ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया आपका डायरेक्शन को साइंस क्या होगा माइनस टू बाई मॉड एरो माइनस फोर बाई मॉड ओके एंड फोर बाई मॉड एरो ठीक है तो मॉड एरो निकाल लीजिए क्या आ जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन आ रहा है, है ना ठीक है तो सोलह सोलह बत्तीस और चार छत्तीस मतलब अंडर रूट थर्टी सिक्स और ये हो जाएगा सिक्स से इक्वल तो पुट कर लीजिए डायरेक्शन को साइंस हो जाएगा आपका माइनस टू बाई सिक्स माइनस फोर बाई सिक्स एंड फोर बाई सिक्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन बाई थ्री ओके माइनस टू बाई थ्री एंड टू बाई थ्री ठीक है तो ये आपका हम है ना ये आपका हो गया पहला वीडियो ठीक है वैक्टा एंड वैक्टर कैलकुलस का ठीक है इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखें वेक्टर और उसके रिगार्डिंग जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे वेक्टर ऑपरेशंस ठीक है कुछ सेक्शन फार्मूला देखा हम लोगों ने है ना साथ ही साथ हम लोग जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी देखे एक वैक्टर का किसी एक स्केलर से है ना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोशाइंस कंपोनेंट्स फॉर्म को देखा ठीक है तो ये हमारा सबसे पहला वीडियो है वीडियो नंबर वन वेक्टर एलजेवरा और वेक्टर कैलकुलस का इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं आपसे